गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम लोग ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करेंगे। एक बार पढ़ लें। पीक्यू लिमिटेड रिपोर्ट्स द फॉलोइंग कॉस्ट स्ट्रक्चर एट टू कैपेसिटी लेवल। प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखे हैं 2000 यूनिट्स पे एंड 1500 यूनिट्स पे। प्रोडक्शन ओवरहेड 2 दे रखे हैं। इफ द सेलिंग प्राइस रिड्यूस्ड बाय डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर इज रुपीज 8 पर यूनिट, वॉट वुड बी द ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, थोड़ा सा टेक्निकल है, सिंपल है प्रॉब्लम्स, बट थोड़ी सी टेक्निकल है। देखें क्या है इसमें। क्वेश्चन में हमें दिया है कि सेलिंग प्राइस लेस डायरेक्ट मटेरियल लेस डायरेक्ट लेबर इज 8 रुपीज पर यूनिट, ये दिया है। सेलिंग प्राइस रिड्यूस्ड बाय डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर इज 8 पर यूनिट। हमें यह भी दिया है कि जो प्रोडक्शन ओवरहेड 1 है वो जब 2000 यूनिट की कैपेसिटी होती है 100% तो 3 रुपीज है, और 1500 यूनिट की कैपेसिटी होती है तो 4 रुपीज है। जबकि प्रोडक्शन ओवरहेड 2 दोनों ही केसेस में 2 रुपीज है। तो आप समझ गए होंगे कि जो ओवरहेड्स पर यूनिट फिक्स होते हैं वो एक्चुअल में वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। सो प्रोडक्शन ओवरहेड 2 आर वेरिएबल ओवरहेड्स एज ओवरहेड पर यूनिट इज फिक्स्ड एंड वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ओवरहेड 2 तो हमने निकाल दिया। अब जो प्रोडक्शन ओवरहेड 1 है वो 2000 यूनिट पे कितने होंगे, 1500 यूनिट्स पर इट मींस जो प्रोडक्शन ओवरहेड 1 है वो क्या है, हमारे फिक्स्ड ओवरहेड है एज टोटल अमाउंट इज फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट लेवल। तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए, जानते भी हैं कि फिक्स्ड ओवरहेड वो होते हैं चाहे आप आउटपुट 1 यूनिट करें चाहे 10,000 यूनिट करें, वो फिक्स्ड ओवरहेड चेंज नहीं होते। सो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस डायरेक्ट मटेरियल माइनस डायरेक्ट लेबर माइनस वेरिएबल ओवरहेड। ये हमें दिया है, ये हमें दिया है, ये 8 रुपीज दिया है और वेरिएबल ओवरहेड हमारा 2 रुपीज है। सो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आया हमारा 6 रुपीज पर यूनिट। सो ब्रेक इवन पॉइंट क्या आ गया, फिक्स्ड ओवरहेड हमें पता है 1000 यूनिट। तो इसमें जो सीखने वाली बात थी वो ये थी कि यहां पर थोड़ा सा घुमा के दिया था इन्होंने कि सेलिंग प्राइस एज रिड्यूस्ड बाय डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर, यहां थोड़ा कंफ्यूज किया। बाकी क्वेश्चन में कोई ऐसी खास बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे।